इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। मदर्स डे के कार्यक्रम में मुंबई के आदर्श नगर अंधेरी वेस्ट में दादा साहब फाल्के अवार्ड संस्था के संस्थापक और गरीबों के मसीहा कल्याण जी और उसकी टीम में कोरोना महामारी में वहां की टेक्नीशियन को अनाज सामग्री का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम योजना 12 बजे से किया जाता है। संस्था के संस्थापक बड़े ही निराले हैं तथा उनको गरीबों का कलाकार भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से जुड़े सभी कलाकार बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं कि मुंबई का कोई कलाकार भूखा नहीं सोए, यही इनका उद्देश्य। संस्था में बड़े कलाकार तथा कई हस्तियां मिलकर कल्याण जी का सहयोग करें, ऐसे इंसान को सलाम। इंडिया न्यूज 24 टीवी परिवार की तरफ से दादा साहब फाल्के अवार्ड टीम को मदर्स डे की शुभकामनाएं। बीकानेर से ब्यूरो रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। फाइनली आप बताइए कि आपको सेवा करके कितना अच्छा लगता है, इतनी सेवा कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमन करता हूं जो बॉलीवुड की बातें मैं पिछले 10 साल हो गया, क्योंकि जब मेरी फिल्म आया था 2014 में, मेरी फिल्म में ढूंढ लेंगे मंजिलम, तब से लेकर अब तक वो साथ है मेरे। एंड थैंक यू बॉलीवुड की बातें, एंड थैंक यू सीजी 24 के जो मालिक है उनको मैं, हमने छत्तीसगढ़ के उनको मैं अध्यक्ष बनाया है दादा साहब फाल्के के अंदर। और आज दो आदमी को मैंने जोड़ा है, एक सावन जी को जो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, और दूसरा हमने हमारे संस्था में जुड़े हैं जो मीडिया प्रभारी बनाया, मैंने आज एक नया पोस्ट दिया है हैदर को जो बॉलीवुड की बातें के वो संपादक है, और उसको हमने महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है मीडिया का, मीडिया सेल का। उसके अलावा मेरे साथ में मैडम रजा मैडम है जो बेहतरीन काम करती है, वो उसके साथ साथ में एक मॉडल है, रैम शो करती है, और साथ साथ में एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लेडी है और समाज सेवी के है। उन्होंने जब इनको मैंने बोला था जो आप कुछ नहीं, आपको हम पोस्ट दे रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 11 आदमी का आना चाहिए। बोलता नहीं मुझे पोस्ट में, आप 11 आदमी नहीं, आप 20 आदमी का ले लो, 50 आदमी का ले लो, मुझे आपके साथ जुड़ना है और मुझे हेल्प करना। तो मैंने बोला नहीं मैडम 20-25 नहीं चाहिए मुझे, मुझे अगर कोई भी इस एनजीओ में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, 11 आदमी का अनाज, आज भी सुन लीजिए आप लोग, मुझे पैसा नहीं है, 11 आदमी का अनाज जो मुझे देगा उसको हम इस एनजीओ में जुड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में क्यों ना हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री में क्यों ना हो। तो मैडम को बोला, मैडम बोलता नहीं कल्याण जी 11 तो ठीक है, आप जब बोलोगे, जैसे बोलोगे, जैसा मुझसे होगा मैं मदद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैडम, आप जुड़े और जुड़ने के बाद इतने सारे मदद किया आपने। इसके अलावा मेरी वीरू जैन है जो हर रोज वो दादर से आते हैं, और जब भी मैं उसको, मैंने 1 घंटा पहले बोला भाई तू आ जा जल्दी फटाक से, तो भाग के वो आ गया, क्योंकि यहाँ जो मेरे साथ मेहनत करेंगे वही DPIF में रहेगा, क्योंकि DPIF एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेहनत करने वाले को ये जगह है, जो मेहनत नहीं करेगा वो सीधा अपने आप भाग जाएगा। एंड उसके साथ में अरविंद हमेशा जो पिछले 3 दिन से मेरे साथ में वो लगे हैं, इसके साथ साथ में मेरा कमल खान साहब है जो एक्ट्रेस है, और वो आए हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए। हेमा शर्मा जो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो आई है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। इसके अलावा गौतम जी है, कुमार गौतम जो हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज है, उसको बनाया गया, वो आया है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। श्रावण जी यहाँ पर आए हैं, वो अपनी अच्छे पानी अच्छे बातों रखने के लिए, मेरे लिए ये संस्था के लिए, उसको आज नया पोस्ट दिया गया। प्यार दीजिए और उसके साथ साथ में आप लोग जुड़े, जुड़ने के लिए सिर्फ हम लोग ले रहे हैं 11 आदमी का अनाज, पैसा नहीं है, सिर्फ अनाज ले रहे हैं। जो अनाज वो तमाम जो कलाकार, तमाम जो स्ट्रगलर जो इस शहर में रहते हैं और जो जिसके घर में नहीं है, वहाँ तक वो अनाज जा रहा है, और हम लोग घर घर दे रहे हैं, प्रैक्टिकली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया संस्था में कुछ संस्था में आते हैं सीधा अंदर आ जाते हैं, भाई अंदर ले थोड़ा आधा दो, भैया नहीं, यहाँ पे जो भी डोनेट आते हैं या जो भी मैं लेके आता हूँ अपने हाथों से जाके फेसबुक लाइव होता है, और सच्चाई का सामना के साथ मैं सबको मैं देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद करता हूँ मेरी माँ को आज, थैंक यू मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है शंकरी जाना, जो मुझे यहाँ पे पाला है आरती बांबुलकर, धन्यवाद मेरी टू यंग ब्यूटीफुल माई ममा, थैंक यू सो मच। तो इस संस्था के लिए मतलब एज एन आर्टिस्ट इनके अवार्ड शो में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन NGO से अब मेरा जो जुड़ने का अभियान बना, वो अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं, लेकिन सबके काम करने का तरीका और इनके काम करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है, और इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो
मैंने कई लोगों को देखा, जैसे अब यहाँ पे हमारे बीच में मैडम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो दिल सेवा भाव के से आ रहे हैं, उन्हें तस्वीर नहीं खिंचानी, उन्हें फोटो नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि बस आर्टिस्टों की मदद हो। और ये तो कहने के लिए है कि सिर्फ कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करें, कलाकारों के अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी ये दरबार से खाली हाथ नहीं जा रहा है। ये दादा साहब फाल्के का दरबार नहीं है, साईं बाबा का दरबार लग रहा है कि यहाँ से कोई भी आ रहा है खाली हाथ नहीं जा रहा है, सबको सेवा भाव, सबको मदद, सबकी सहायता की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये काम है ये बहुत टफ काम है और ये हमारे जैसे लोगों का बस के नहीं, ये कल्याण जी जाना इसको बखूबी निभा पाते हैं, बखूबी कर पाते हैं। और मैं देख रहा हूँ इनको एक साल से कम्प्लीटली, कि मैं तो एक दिन घर में बैठ भी जाता हूँ, सो भी जाता हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं कम्प्लीट एक साल से नोटिस कर रहा हूँ, ये आदमी एक दिन घर में नहीं बैठता। बहुत अच्छे दो शब्द हैं मैं कहना चाहता हूँ कल्याण जी जाना जी के लिए, कि वो सबको गले से लगाकर चलता है, वो गरीबों से मिलकर भी चलता है, कि वो सबको गले से लगाकर चलता है, वो गरीबों से मिलकर भी चलता है, लगाए भी कैसे कुछ, लगाए भी कैसे उसके कद का अंदाज़ा, वो आकाश है फिर भी सर झुका के चलता है। वाह वाह, आदर्श नगर से। मेरा नाम कैरिन टेरी रजा है और हम लोग यहाँ DPIF में आए हैं और सबको राशन हमेशा देते रहते हैं कल्याण जी, और बहुत सारे सेवा करते रहते हैं, हर जो भूखे हैं उनके लिए पहले सोचते हैं। तो इस लॉकडाउन में आपने कितनी सेवा कर दी है अब तक DP के माध्यम से? तो काफ़ी कुछ हम लोग ने किए हैं और अभी अभी हम थोड़े इसमें भी ज्वाइन हुए हैं, पहले कहीं और भी सोच रही हूँ, काफ़ी कुछ करते रहते हैं तो अब इसमें भी ज्वाइन हुए तो काफ़ी कुछ अभी कल्याण जी से जुड़े हैं और बहुत कुछ आगे करना है। तो कल्याण जी से जब आप जुड़ी तो आपको क्या लगा और किस तरह का ये वर्क करते हैं साथ में जो आप कर रहे हैं? सर, जो सबसे ज़रूरतमंद है हम वो खुद ही आते हैं, खुद ही अपने हाथ से, जहाँ इतने दूर से लोग आते हैं कि डू इट आवरसेल्फ, कि ऐसे नहीं कि कहीं और जाके किसी और के हाथ से दे दो, खुद ही आप हाथ से दो तो यू नो कि वो राइट पर्सन के पास जा रहे हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि हम लोग सब मिल के यहाँ कहाँ दूर दूर से आए हैं और खुद सब कुछ जो जिसको ज़रूरत है उनको दे रहे हैं। लोगों की जब आप सेवा करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस कोविड के टाइम पर जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कैसे ढूंढते हैं आप जी? कैसे भी करके वो हम लोग के पास आ ही जाता है पूरा लिस्ट, सर मेडिकल से लेके ग्रोसरी से लेके हर चीज़ का लिस्ट आ जाता है, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं काफ़ी लोगों से तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग को वो लिस्ट आ जाता है। सर आप विजय सर आप बताइए कि कैसा ये कोविड के टाइम पे सेवा करने में आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, दिल से दुआएं मिलती हैं, जितनी भी हो सके उतनी और ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। हम शुरू से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद अपने गाड़ी में डाल के मैं कोलीवाड़ा तक मैंने बांटा जाके, हम लोग शुरू से बांट रहे हैं और जब तक जान है तब तक बांटते रहेंगे। हम चाहते हैं कल्याण जैसे और भी लोग खड़े हो जाए गरीबों के लिए। मैं शर्मा है और मैं कलाकार हूँ और कल्याण जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक सेट पर, मैंने हाल ही में उनके साथ एक फिल्म की है जिसका नाम है पाताल पानी और वो अगस्त में आई थिंक रिलीज होने वाली है जी। और उनके साथ मेरी फिल्म का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, फिर वहीं पे मुझे पता चला कि ये सोशल जो लाइफ होती है वो सोशल जो समाज सेविका जिसको बोलते हैं, समाज सेवा जिसको बोलते हैं, मैं तो उसको प्यार के रूप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि इसको मदद के रूप में नहीं देना चाहती। और आज के टाइम पे जो कोरोना टाइम चल रहा है इस टाइम अगर आप किसी को मदद के रूप में अगर प्यार दे सकते हैं तो प्लीज़ 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 दीजिए। और इनसे मिलके मुझे पता चला कि ये बेहतरीन एक इंसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और साथ ही साथ इनके जो अंदर एक जुनून है कुछ अच्छा करने का, गरीबों की मदद करने का, जिनको लोग देखते नहीं हैं, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनका कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कल्याण जी का वो ये है कि जो भी मुंबई शहर में पता नहीं ना जाने कितने लोग भूखे सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम तो पेट भर के सो जाते हैं ACO में, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो सो जाते हैं भूखे पेट, खाली पेट। तो ये इनका उद्देश्य है कि कम से कम लोग जो हैं भूखे पेट से खाली पेट से। तो हमें जी कल्याण के साथ आपने फिल्म की है तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या है फिल्म जो आप? जी फिल्म का नाम जैसे मैंने पहले भी बताया, फिल्म का नाम है पाताल पानी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं करणवीर वोरा जो टेलीविजन इंडस्ट्री के बादशाह हैं, फिर है जरीन खान, फिर है राजेश शर्मा, उपासना सिंह, अली असगर, बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टर हैं इसमें। सो मैं और कल्याण जी भी इस फिल्म का एक हिस्सा है। आप सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और आज माताओं का दिन है तो उन सभी को माताओं को मैं नमन करता हूँ दिल से, हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ।
दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड एक ऐसा एनजीओ है जो हम अभी से नहीं लास्ट साल या ईयर से काम करते आ रहे हैं, काफ़ी दिन सेवा की, ऐसे काफ़ी एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं, पर सिर्फ कोई काम के लिए नहीं जुड़ते, कोई सिर्फ नाम के लिए जुड़ते, कोई पैसे के लिए जुड़ते, पर ये एक्चुअल काम हम लोग कर रहे हैं, हम अपने हाथों से नहीं किसी के भरोसे किसी को दे रहे हैं, हम घर घर जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, ये हम नहीं ऊपर वाले करा रहे हैं, हमसे हमें जरिया उनसे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्व हो रहा है।